फाइट ली जाए तो कौन कौन सी वो टीम है जो ड्रॉप क्लैश के अंदर उतरने वाले, फाइट की बात करेंगे ऑलरेडी उनका ड्रॉप क्लैश मिलिट्री बेस पे आपको देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग की अगर हम बात करें वो आपको साइड बैंगल के ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार आई8 के लिए दिक्कतें यहां पर बन चुकी है क्योंकि गन्स नहीं मिली थी, प्लेयर्स को नॉक किया गया, इंस्टेंट फिनिशेस के अंदर कन्वर्ट भी कर दिया गया, एक प्लेयर ऑलरेडी ये टीम गवा चुकी है। लेकिन वही पे वॉरियर्स के प्लेयर्स की बात करेंगे उनके पास केवल मात्र आपको शॉटगन देखने को मिलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास शॉटगन है, एज वेल एज सामने जो प्लेयर है उनके पास भी आपको शॉटगन ही देखने को मिल रही है, तो लूट नहीं मिली है और नो लूट फाइट। समझ सकते हैं कितनी ज्यादा मुश्किल रहती है। जी हाँ, तो डेफिनेटली मुश्किल रहती है, काफी ज्यादा अपने आप में ये रिस्क है। देख लीजिए उजेम की बात कर लीजिए तो वेल SMGs भी नहीं देखने को मिल जाएगी, व्हाट वाज दैट, 10 HP पे यहाँ पे प्लेयर्स रहने वाले। वेल ड्रॉप फाइट में जितना मजा आता है कि अगर आपके पास एक असॉल्ट आ जाए, जैसे कि ईस्ट के पास है बट उनको वहां पे ब्लाइंड कर लिया जाएगा, इसी बीच उजेम को टीपी भी मिल चुकी है, लेट्स सी दैट। अब ये डीपी का जादू क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी दौरान यहाँ पे अपनी उसी चलाते हुए नजर आ रहे हैं, फ्री फायर यहाँ पे रखेंगे, गन स्विच करेंगे, एक के माथे लिए वही में उनका बैटल ओपनली नहीं जा रहा है, बट उस रन में यहाँ पे नेट चोक हुआ वहाँ पे थोड़ी सी गेम की वजह से, यहाँ पे गोस्ट ले जाएंगे इसी बीच यहाँ पे स्किल को अपने खाते में कि भाई ये भले ही पबजी वालों ने थोड़ी सी हेल्प कर दी बट इट्स ओके, ये किल मैं लेके जाऊंगा, इसी बीच DW हो जाएगी गेम से बाहर विद 2 finish। बिल्कुल, सबसे पहले टीम इसमें सेलिब्रेट होती हुई आपको देखने को मिल जाएगी और वहां पे पूरा फायदा आई8 को मिलता हुआ नजर आ जाएगा। आई8 के साथ ये ड्रॉप क्लैश